आवेदन है कि भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार पिछड़ा वर्ग सूची खंड क्रमांक 12 पर अंकित रोहित विनर कहार केवट मल्ला निषाद कश्यप पाठन कुमार इत्यादि जो कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति सूची क्रमांक 29 पर अंकित माझी जनजाति के पर्याय छूटे हुए भाग के कारण पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर अंकित समूह से विलोपित किया जाए। इस संबंध में विंध्य राज्य के द्वारा तत्संबंध दिनांक 8 जनवरी 1950 में भारत सरकार के विधि मंत्रालय को अनुसूचित जनजाति के सर्वेक्षण क्रमांक 8 पर माझी जनजाति के पर्याय भोई ढीमठ मल्लाय ढीमर आदि समुदाय को जनजाति मान्य किया गया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल आदेश 25 जून 2003 को पिछड़ा वर्ग सूची सरक क्रमांक 12 भोई ढीमर मल्ला तुरहा केवट कश्यप निषाद बाथम इत्यादि को भोपाल रायसेन सीहोर जिला छोड़कर 2003 से विलोपित कार्रवाई करने की अपेक्षित है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश ऐसा एक्ट में जो हमारे वंशानुगत मछुआरे हैं मध्य प्रदेश के साथ छतरपुर जिले में जितने वंशानुगत मछुआरे हैं वह भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों को उन्होंने कहा है कि हम मछली पालन सिंघाड़ी करना खेती करना ये आपके तालाबों में से दे देंगे तो हमारे मछुआरे कहाँ जाएंगे। ये हमारी सरकार से मांग है और हम एक और निवेदन करना चाहते हैं कि 15 दिवस के भीतर यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में छतरपुर भी शामिल हो उसमें यही धरना प्रदर्शन करेंगे, शांति के लिए धरना आंदोलन हड़ताल सब करेंगे। श्रीमान की ओर ज्ञापन प्रेषित है। सुंदर है, हाथ लगा लिए तुम। तो भैया रो जहाँ देखो जहाँ धरना प्रदर्शन जारी है भ्रष्टाचार खा देख के भ्रष्टाचार इतना है को सुनवाइया है नहीं है। अब मछुआ समिति ने आज इतने आके कैसे तलन पे कब्जा कर लो और कब्जा किने करो सामंतवाद जो इनको अधिकार है तो जो अधिकार से वंचित करे गए हैं ऊखा लेके आज मछुआ समिति ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपो है का इनकी मांगे हैं। हम आपका इनसे बात करके वे भी बता रहे कि मांगे आखिर काहे जो रहे काय के लाने थे इकट्ठे भाई हैं वो भी हम लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों का दिखा दें। आज आप हो रहे थे काय के लाने इकट्ठे शिवराज सरकार ने जो तालाब तलैया थे उसको मछुआरों से छीन कर करके पंचायत में एक आदेश किया है कि इसके मुखिया सरपंच बन जाएंगे, जबकि रेकवार मलमाली झीम ढीमर समाज के वे ही तालाब तलैया थे जिन्हें उनका भी अधिकार था, आज से नहीं सनातन से भी है कि इन्हीं का अधिकार है, लेकिन आज वो आदेश किया है शिवराज सरकार ने कि ये पंचायतों के अंडर में कर दिया जाए जो अभी बड़े मथा के राजा महाराजों के अंडर से छुड़ा करके थोड़ा निकले थे बाहर, फिर से मुख्यमंत्री जी ने वो आदेश किया कि फिर से राजा महाराजाओं के अंडर में वे तालाब तलैया हो जाए और मछुआरे यहाँ से निकल जाए। इसलिए आज ज्ञापन दिया है मछुआरा मतलब रेकवार समाज ने सारे एकत्र होकर छतरपुर जिले के और साथ में मैं भी हूँ क्योंकि आज इनके तालाब छुड़ाए हैं, हम कुर्मी हैं, कल हमारी जमीन को भी छिनाने का आदेश कर दिया जाएगा तो हम सब एससी एसटी ओबीसी के लोग एकत्र होकर ये लड़ाई लड़ेंगे यहाँ से, चाहे वो धरना दे के लड़ना पड़े चाहे भोपाल जाना पड़े चाहे दिल्ली में रुकना पड़े, बाकी ये आदेश जो उन्होंने किया है इसको पारित नहीं होने देंगे। शायद सरकार ने आप लोगों की मांग पे विचार ना करो जी,
ना मानी सरकार ने मांगे, फिर आगे को रास्ता करें। हमारा जो प्रांतीय संगठन है उन्हें निर्णय लाओ है, 15 दिन को समय दो, अगर आपने नहीं मानी तो हम जिला मुख्यालय पे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पे अनशन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं, और इसके बाद नहीं माने तो उग्र आंदोलन भी करें जी। आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही, मछुआन से उनको अधिकार, मछुआ समिति अधिकारन की लड़ाई लड़ रही, कोई सुनवाइया नहीं है। जो गरीब वंचित है उनको अधिकार सामंतवादियों के पास, सरकार का सब पता हो तो वह भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहे अगर ये सोचा? देखिए, मैं रानी रेकवार माझी समाज से हूँ और ओबीसी जिलाध्यक्ष हूँ। मेरी यही पुकार है सरकार से कि हम लोगों के अधिकार ना छीने। 2023 में विधानसभा चुनाव में हटा दो, मछलियाँ बेचन नहीं दे रहे, रोड पे तो मोरन खा बेड भी मिल नहीं रहो, जगह कौन सरकार दे नहीं पा रही, जो हो तो कहा जो हो मचो कहा है नहीं दे पा रही। हाँ आओ, हाँ जो बताओ कि तुम्हारे करीब परिवार है उससे पलते हैं, अगर वो चीज चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो तो लगभग पूरे जिला में, और अगर जाएगी तो जिस तरीके से हमको लड़ना पड़ेगा हम सर शासन से लड़ेंगे और विरोध सरकार लेके रहे। हाँ, अधिकार हमको चाहिए शासन से, ये शासन ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। तो जो है भैया जीवो को सहारा केवल तला तलैया बचे, और वे शुरू से रहे हैं, पुरखन से रहे हैं लोगन के पास, अब वे भी छोड़ाए जा रहे, तो जे हैं तो कहाँ भैया मचो का। नमस्कार, मैं रामचरण रेकवार परा चौकी से, और हमारी समाज के सभी भाइयों के साथ में ये अन्याय हो रहा है। अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टी गलत कर रही है, भाजपा पार्टी की जिम्मेदारी है, इनकी कोई नहीं सुन रही।